ला, 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 अरे सुनो, हाँ? ये लो टिफिन लेके जाओ। अरे इसकी क्या जरूरत है, आज तो मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं बस कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो क्या हो गया, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का नहीं, ये लो पकड़ो। अच्छा बबीता, आज शाम को मेरी फ्लाइट है, तो तुम मेरा बैग पैक कर देना, ओके? अतुल, मैं ना परेशान हो गई तुम्हारी हफ्ते हफ्ते के टूर से। अरे बाबा, टारगेट पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाना जरूरी होता है। तो छोड़ दो ना ऐसी जॉब जिसकी वजह से तुम अपनी वाइफ को भी टाइम ना दे पाओ। मैडम, ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती, और इतनी अच्छी नौकरी अगर रोज मिल जाए तो आदमी छोड़ देना। मैं जल्दी आ जाऊंगा, बाय, टेक केयर। चलो जाओ। बाय। हाँ बोलो अतुल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अतुल बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ अतुल, पहचानता हूँ मैं तुम्हें, कैसे हो? सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सर। क्या हुआ? कंपनी के काम से हफ्ते में मुझे 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है सर। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। देखिए सर, मैंने आपकी कंपनी में इतने सालों से जॉब की है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपकी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ सर। हाँ पता है मुझे। सर मैं परिवार को टाइम नहीं दे पाता हूँ सर, बीवी परेशान हो गई है मेरी। सर कुछ कीजिए सर, सर मेरे प्रमोशन के बारे में कुछ सोचिए सर, प्लीज सर। अरे तू प्रमोशन की टेंशन मत ले, तेरा प्रमोशन मैं कर दूंगा। वैसे अभी कहाँ हो तुम? अभी तो सर मैं घर से कुछ बाहर आया था कुछ काम के लिए। अच्छा, कितने टाइम के लिए बाहर हो? सर अभी तो मुझे कुछ, वैसे फिलहाल 2-3 घंटे लग जाएंगे सर घर पहुंचने में। एक बात बताऊं अतुल? जी सर बताइए ना। तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सर। कभी मिलाया नहीं, दावत पे भी बुलाया नहीं तुमने? ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपका ही घर है सर, आप कभी भी आइए सर। अच्छा, आपका ही तो दिया हुआ सब कुछ है सर। अच्छा सुनो अतुल, अगर हम एक डील करें ना, तो तुम्हें मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है, और तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा सर, श्योर सर, बताइए ना सर, प्लीज सर। अच्छा तुम समझ रहे हो ना अतुल, मुझे ना तुम्हारे बीवी के साथ एक रात गुजारनी है। हाँ सर, समझ रहे हो? बस इतनी सी बात सर। तो डील पक्की ना? ओके डन सर। तेरा प्रमोशन कर दूंगा, और क्या चाहिए? जी सर। तू भी खुश? जी सर। तेरी बीवी भी खुश? जी सर। और मैं भी खुश? हाँ सर। ओके ठीक है सर, डन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो बाय। बाय सर। जी आप कौन? जी मेरा नाम सुरेश है, मैं आपके पति अतुल का बॉस हूँ। अच्छा आइए ना अंदर। ओके सर, आपको अतुल से मिलना होगा ना, पर वो तो अभी अभी ऑफिस चले गए। हाँ मैडम, मुझे पता है अतुल ऑफिस गए हुए हैं, इसलिए मैं अतुल के एब्सेंस में आपसे मिलने आया हूँ। पर क्यों, कोई खास बात है क्या सर? क्योंकि अतुल हमारी कंपनी के एक होनहार वर्कर है, और हमारी कंपनी ने एक इंक्रीमेंट स्कीम रखी हुई है, और एक सरप्राइज पार्टी भी रखी हुई है, जिसकी जानकारी सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर्स और हमें होगी। और आपके लिए डबल खुशी है, क्योंकि अतुल को इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रमोशन भी मिला है। सच में सर? हाँ। थैंक यू सो मच सर, टुडे आई एम वेरी हैप्पी सर, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, आपके लिए तो ट्रिपल खुशी की बात है। प्रमोशन के बाद अतुल सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स मैनेजर बन जाएगा, जिससे उसके टूर अब बहुत कम लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अब वो बाहर नहीं जाएंगे? नहीं, कभी कभार स्पेशल ओकेजंस पर। चलिए मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाएंगे सर, अभी तो आए हैं, अब आए हैं तो चाय तो बनती है। चलो आप इतना फोर्स कर रही हैं तो
तो एक चाय तो बनती है आपके हाथ की। ठीक ठीक है, मैं यूं गई और यूं चाय बनाकर लेकर आई। ठीक है। अच्छा बेटा, तो तू मेरे चक्कर में आया है यहाँ? कर ले बेटा, तुझे जो करना है। तू मुझे फंसाने आया है? आज फंसेगा तू, और ऐसा फंसेगा ना कि जिंदगी भर वहां से निकल नहीं पाएगा। इतना पैसा आएगा मेरे पास, कितनी शॉपिंग करूंगी मैं, कितना घूमूंगी फिरूंगी, बहुत मजा आने वाला है। और तू ये देख मैं क्या करती हूँ। अतुल। हाँ बोलो। वो बकरा आ गया है। ऐसा क्या? तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम ध्यान रखना, ठीक है ना? मैं तब तक इसको बेडरूम तक का सफर कराती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है, मैं रखता हूँ। ये लीजिए, ये रही गर्मा गर्म चाय। जी अच्छा। अरे चाय में शक्कर डालना भूल गए क्या? आपको शक्कर चाहिए? हाँ। अभी रुकिए, मैं शक्कर लेकर आती हूँ। जी जी। जल्दी से इसके चाय में मिला देता हूँ, जल्दी बेहोश हो जाएगी। थैंक यू बस बस। जी। वाह, चाय बहुत अच्छी बनी। थैंक यू सो मच सर। एकदम कड़क आपकी तरह। अतुल टाइम पे आ जाता है? जी बिल्कुल। क्या क्या हुआ आपको? पता नहीं सर। मैडम चक्कर सा। अरे क्या हुआ, संभालिए। मैडम ठीक हो आप? मैडम खूबसूरत हो, जैसे कोई हुस्न की परी। आज तो मजा आ जाएगा। ओहो, बॉस रंगलिया मना रहा है, अभी निकालता हूं इसकी पूरी ठरक। वाह, बड़े दिन बाद शिकार करने में मजा आया, होश में होती तो और मजा आता।
अतुल, चिंता ना करें सर, प्रमोशन हो जाने दीजिए, एक बार होश में भी करवा दूंगा। अरे सच्ची, तेरी बीवी मान जाएगी? अरे क्यों नहीं मानेगी सर, आपके साथ उसकी पिक्चर्स तो मेरे पास हैं। डिलीट कर सब फोटो, अब फंस जाऊंगा मैं यार। अरे सर कुछ नहीं होगा, पिक्चर्स तो डिलीट नहीं होगी, इससे मेरे दो दो फायदे होंगे। पहला सर, आप हमारी हर बात मानेंगे, और दूसरा मेरी बीवी के लिए अच्छी पोस्ट और प्रमोशन भी। अरे क्या हुआ सर? ओह आई एम सॉरी सर। ऐसा होता है सर। अतुल तुम बड़े घटिया इंसान हो। अच्छा अब मैं घटिया हो गया? जब मैंने अपनी बीवी के साथ तुम्हें सोने दिया तब मैं अच्छा था? चलिए जाइए, और हां इससे पहले कि मेरी बीवी को होश आए और कोई हंगामा करे, जाइए यहां से। और हां कल तक मुझे अपना प्रमोशन लेटर मिल जाना चाहिए, वरना समझ लेना पिक्चर्स हैं मेरे पास। कैसी हो बबीता डार्लिंग, उठ जाओ। मुर्गा फंस गया। ओ बबीता डार्लिंग।